विराट कोहली और रोहित शर्मा इस आईपीएल में पहली बार भिड़ चुके हैं और सबसे बड़ी बात, ठीक है, सबसे बड़ी बात, आरसीबी वालों तुम्हारा दर्द समझता हूं मैं। विराट कोहली जल्दी आउट हो गए, ग्लेन मैक्सवेल वानखेड़े में नहीं चले, और सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि कल विराट कोहली के आउट हुए पूरी टीम जल्दी जल्दी खेलने लग गई। पहले डिफेंड करने के लिए कुछ तो था, अब डिफेंड कैसे करेंगे विराट भाई को, पकचोदी मत कर। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप मुंबई के फैन हो तो खुशियां बनाओ बेंच, बुमराह ने 5 विकेट ले लिए, सूर्या फिर से फॉर्म में आ गया, लोगों ने हार्दिक पांड्या को गालियां देना बंद कर दी, और सबसे बड़ी बात 15 ओवर में गेम खत्म कर दिया। भाई चल क्या रहा था कल ये पता नहीं। अब खुशियों की बात थोड़ी देर में करेंगे, पहले दुख की बात कर लेते हैं, आरसीबी की बैटिंग या बॉलिंग जो भी ज्यादा दुखदायी हो आपके हिसाब से कमेंट्स में लिख देना। ओके, तो मैच शुरू हुआ और मैच खत्म हो गया, मतलब वो इकलौता इंसान नहीं देव मानुष जो इस टीम को चला रहा था अभी तक, जब वही दूसरे ओवर में आउट हो गया तो आरसीबी वालों के लिए तो मैच तो खत्म ही है ना। लेकिन हमको क्या पता था कि असली दुख तो वहां से शुरू हुआ है, पाप डुप्लेसी से पूछ लो, थोड़ा ज्यादा ही असली हो गया था। पाप डुप्लेसी के गोटों पे बॉल लगी जो लगी, ईशान किशन और वहां पे जाके और मजे ले रहे थे उनके, शायद इसीलिए उन्होंने दुख दे दिया मुंबई को बाद में। हाँ, विराट कोहली भले नहीं मार पाए लेकिन पाप डुप्लेसी ने पिछले 3 मैच का बराबर एक ही साथ मार दिया कल, और मार कौन खा रहा था, हार्दिक पांड्या को सच में बद्दुआ लग गई है यार। भाई कल सब लोग अच्छे से बॉलिंग कर रहे थे, सब लोगों को विकेट मिल रहा था, इनको लगा बेहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेता हूँ, उल्टा रजत पाटीदार धोके चले गए इनको। भाई कल की बैटिंग में आरसीबी का कुछ ऐसा सीन चल रहा था, विराट से तेज फाफ डुप्लेसी ने खेला, फाफ डुप्लेसी से तेज रजत ने खेला, रजत से तेज दिनेश कार्तिक ने खेला, तो कल सब फॉर्म में आ गए थे, स्पेशली रजत पाटीदार। दिनेश कार्तिक ने तो यही काम इसी सीजन में एक दो बार कर दिया है इसलिए इतनी बड़ी बात नहीं लग रही है, लेकिन रजत पाटीदार भाई पिछले सीजन में जैसे लोग रियान पराग को ट्रोल करते थे वैसे ही बेचारा इस सीजन में ट्रोल होता था, बाकी टीम्स के फैंस छोड़ो आरसीबी के ही फैंस ट्रोल करते थे इसको। लेकिन जिस तरीके से छक्के मारे हैं इसने, वो भी स्पेशली हार्दिक पांड्या को, आत्मा तृप्त हो गई मेरे अंदर से। आत्मा तृप्त तो तब भी हुई थी मेरी जब दिनेश कार्तिक ने बुमराह को छक्का मार दिया था। अब इस बात को मैंने इतना जोर डाल के इसलिए बोला क्योंकि बुमराह ने कल 5 विकेट लिए थे। अब बुमराह को छक्के मारना मेरे लिए बेस्ट सीन नहीं था, बेस्ट सीन था जब दिनेश कार्तिक एंट्री ले रहे थे और रोहित शर्मा पीछे जाके बोलते हैं वर्ल्ड कप ईयर चल रहा है इसके दिमाग में, वर्ल्ड कप ईयर, भाई आप ही सुन रहे हैं भाई, यहाँ तक तो ठीक था लेकिन जब डीके बॉस असली में परफॉर्म करने लग गए उस टाइम पे कमेंटेटर्स बोलते कि इनको तो वर्ल्ड कप टीम होना चाहिए यार, भाई मजाक था तो ठीक है लेकिन असली में लेके मत चल जाना, पिछली बार जितना दुख हुआ था उसको एक ही बार सहन कर सकते हैं हम लोग बस। ओके, आगे बढ़ते हैं, ग्लेन मैक्सवेल कब खून खोलेगा इसका यार, मैक्सी भाई ने बोला जितने भी रिकॉर्ड तोड़ने थे मुझे सब वर्ल्ड कप में तोड़ दिए मैंने, अब रोहित शर्मा के रिकॉर्ड के पीछे भागूंगा सबसे ज्यादा डक्स पे आउट होने का। भाई सब कुछ सही जा रहा था कल आरसीबी के साथ, अगर मैक्सवेल भी रन बना देते ना तो शायद आरसीबी ये मैच जीत जाती, 200 का टारगेट मिलने के बाद भी मुझे शायद बोलना पड़ रहा है क्योंकि मुंबई के बैट्समैन जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे ना, 300 रन भी होते ना अगर तो भी आरसीबी के बॉलर्स रिकॉर्ड टूटवा देते, आरसीबी के बॉलर्स छोड़ो मुंबई के बॉलर्स भी टूटवा देते अगर उस टीम में बुमराह नहीं होते तो। भाई शुरुआत से शुरू हुए थे ये, विराट को निपटाया, फाफ डुप्लेसी को निपटाया, उसके बाद 2-3 और लोगों को निपटा दिया, लेकिन ये बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात ये थी कि इन 5 विकेट के दौरान इनको 2 बार हैट्रिक का मौका मिला था और दोनों बार इन्होंने मिस कर दिया। बुमराह भाई भी बोल रहे होंगे कि 5 विकेट लिए उसकी सेलिब्रेशन करो कि 2 बार हैट्रिक मिस करी उसका दुख मनाओ, लेकिन दुख मनाने का दिन तो कल आरसीबी का था इसलिए उन्होंने खुशी मना ली कि भाई जिस पिच पे आरसीबी के प्लेयर्स ने 3-3 50s बना दी उसमें आरसीबी के बॉलर से क्या ही उम्मीद रख रहे थे आप। दिनेश कार्तिक ने आखिरी में जाके जिस स्पीड से 50 मारी थी ना उस स्पीड से तो ईशान किशन ने शुरुआत में 50 मार दी, ये बंदा स्ट्राइक ही नहीं छोड़ रहा था कल। बाद में पावर प्ले के 2-3 ओवर तक तो रोहित शर्मा सामने ही खड़े हुए थे, बस एक टाइम पे रोहित शर्मा बस 2-3 रन भी खड़े हुए थे और ईशान किशन ने 20-21 रन बना दिए, तो इतना मार रहे थे ये और शॉट्स भी ऐसे मार रहे थे ऐसा लग रहा था कि सूर्या बैटिंग कर रहा है, और सूर्या ने भी ज्यादा वेट नहीं कराया, जैसे ईशान किशन आउट हुए उसकी अगली ही बॉल पे आते ही बाउंड्री लगाई, साला रोहित शर्मा भी सामने खड़े खड़े बोल रहे हैं कि साले कुत्ते देखिए। बात तो ये है कि रोहित भाई को आखिरी तक स्ट्राइक नहीं मिली, कोई बात नहीं, रोहित भाई आज विराट कोहली का भी यही सीन चल रहा था, उनकी टीम के सारे प्लेयर्स मार रहे थे और वो खड़े खड़े देख ही रहे थे। बाकी आरसीबी की बैटिंग के जैसे ही मुंबई की बैटिंग में भी सेम सीन हुआ था, जैसे उधर फाफ से तेज रजत भी रजत से तेज डीके खेल रहे थे वैसे ही इधर भी ईशान ने 23 बॉल में 50 मारी, सूर्या ने 18 बॉल में 50 मार दी, फास्टेस्ट 50-50 का भी कोई रिकॉर्ड टूट गया शायद, कंफर्म नहीं है मुझे इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। लेकिन जब आरसीबी ने 195 रन का टारगेट दिया था ना वो भी विराट कोहली के इतनी जल्दी आउट होने के बाद, मुझे लगा था वाह यार बहुत बड़ी बात हो गई, तो बड़ी बात तो हुई लेकिन वो थोड़ी देर बाद में हुई जब मुंबई ने उस टारगेट को केवल 15 ओवर्स में निपटा दिया। भाई 15 ओवर्स व्हाट, और इसमें हाथ किस किस का था, ईशान सूर्या और हार्दिक पांड्या। हां आरसीबी के बॉलर्स को ऑनरेबल मेंशंस में जरूर रखूंगा मैं, क्या मतलब आरसीबी के बॉलर्स ही मेन रीजन, तो ईशान और सूर्या के बाद हाँ फाइनली हम हार्दिक पांड्या की तारीफ करने वाले हैं क्योंकि विराट कोहली ने कर दी भाई। अब तो जब हार्दिक एंट्री ले रहे थे तब एज यूजुअल सब लोग बू बू कर रहे थे लेकिन इतने में एकदम से विराट कोहली बोलने लग गए कि भाई क्या कर रहे हो यार सपोर्ट करो। हाँ वो अलग बात है कि बाद में हार्दिक ने उन्हीं की टीम की
लेकिन फैंस मान तो गए थे, सब लोग हार्दिक हार्दिक चिल्लाने लग गए थे। एक बार का तो हार्दिक शोक में आ गया कि भाई ये वाला डायलॉग तो आउट होने के टाइम पे बोलना था ना, अभी कैसे बोल रहे। बाकी मजाक से हटके हार्दिक पांड्या ने परफॉर्म भी वैसा ही किया था, पहली बॉल पे आके चौका मार दिया था और फिर सूर्या के साथ मिलकर 15वें या 16वें ओवर में मैच को निपटा भी दिया था। और स्पेशली वो लास्ट बॉल 6। अब नॉर्मली मैं ऐसे पर्टिकुलर शॉट की बात नहीं करता हूँ क्योंकि आपको भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा हूँ तो आप सोच लो कितना खतरनाक शॉट था वो। आधा बैट घुमाया था बस इतना सा, उसके बावजूद भी वो बॉल छक्के के लिए चली गई। गजब गजब तो ये मैच भी था भाई। हार्दिक और विराट का सीन, रोहित और डीके का सीन, बुमराह के 5 विकेट्स, बस नाम का ही नहीं, असली में महामुकाबला था। बाकी इन सारी खुशी की चीजों में हम एक चीज नहीं भूल सकते हैं कि सिराज रोने लग गए थे कल। कल एक तो इतनी खराब बॉलिंग करी उन्होंने, ऊपर से उन्हीं का टीममेट 5-5 विकेट्स ले गया, तो बुरा तो लगता है भाई। इसीलिए सिराज भी फिर बुमराह के पास जाके इमोशनल हुए थे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इनको थोड़े मैच का रेस्ट दे देना चाहिए, मेंटल फटीग भी दूर हो जाएगा और वापस आने के बाद आरसीबी को मैच जीता भी दे, क्योंकि अभी जैसा चल रहा है। सब्सक्राइब।